गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी विल ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ई एंड आर एंड देन बिटवीन वी एंड आई एंड देन बिटवीन वी एंड आर। ओके स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ई और आर के बीच। सबसे पहले तो ठीक है, ई और आर का मतलब क्या है, यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड एक्सटर्नल रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद वी और आई के बीच हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वी और आर के बीच। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन ग्राफ्स को समझेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने प्रीवियस लेक्चर में रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, ई स्मॉल आर कैपिटल आर आई, इसमें एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये हमने वहां पर स्टडी किया था। उन्हीं फॉर्मूले के हेल्प से आज हम यहां पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड एक्सटर्नल रजिस्टर के बीच। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है हमारा ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ओके, सो वी कैन चूज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन वाई एक्सिस एंड एक्सटर्नल रजिस्टर इन एक्स एक्सिस। ओके, हम एक्स वाई एक्सिस पे जो है उसको हम लेते हैं, ये सपोज दैट है हमारा ई। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और कैपिटल आर में है जो आपका ये एक्स एक्सिस है, वहां पर हमने ले लिया कैपिटल आर, यानी कि एक्सटर्नल रजिस्टेंस। ठीक है, हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो एक्सटर्नल रजिस्टर से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ई और आर के बीच जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा, यानी कि ये जो ग्राफ शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो एक्सटर्नल रजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब दूसरा हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बिटवीन सेकंड, द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जगह हम लेते हैं यहां पर अभी पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड करंट आई। करंट आई और वी के बीच हम अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका, इधर को आ गया आपका वी और इधर को आ गया आपका आई। ठीक है, हमने एक रिलेशन पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो आपका वी होता है वो होता है E माइनस आई आर के बराबर। ठीक है, तो इसको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, माइनस आई आर प्लस ई, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी अगर कंपेयरिंग करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। यहां पर m जो होता है उसको बोलते हैं हम स्लोप। तो इससे अगर हम इसकी कंपेयरिंग करें तो इसकी जो स्लोप होगी m, उसकी वैल्यू होगी आपकी माइनस आर। ठीक है, ये माइनस आर जो होगा ये स्लोप को दिखाएगा m, और x की जगह आपका आ गया i और c की जगह आपका आ गया e। ठीक है, तो स्लोप इसकी आ जाएगी माइनस आर, यानी कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो होगी वो माइनस आर के बराबर होगी। ठीक है, ये यहां से हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है,
अब अगर हम i इक्वल टू जीरो, अगर हम यहां पर i इक्वल टू जीरो रखें तो हम इस इक्वेशन में देखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले देते हैं, ठीक है। व्हेन i इक्वल टू जीरो देन इक्वेशन वन बिकम्स v इक्वल टू e, तो v जो है आपका वो e में चेंज हो गया, जब i क्या था आपका जीरो था, यानी कि i जीरो होगा यहां, तो यहां पर यहां किसी भी पॉइंट पे ले लो तो i जीरो होगा, ठीक है। तो i जब जीरो था तो ये किसके बराबर था, e के बराबर, ठीक है। और जब आपका v जीरो हो जाएगा, इसमें आप v जीरो रखो, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका when v इक्वल टू जीरो देन इक्वेशन वन बिकम्स v इक्वल टू जीरो रखते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, जीरो इक्वल टू e माइनस आई आर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका e इक्वल टू आई आर, यानी कि i की वैल्यू कितनी हो गई, e अपॉन आर, ठीक है। तो इस किसी भी पॉइंट पे ले लो आप, v इक्वल टू जीरो है यहां पर, ठीक है, v इक्वल टू जीरो है और i की वैल्यू आपकी e अपॉन आर, तो यहां पर हम e अपॉन आर इसको शो करेंगे, ठीक है। दोनों के बीच ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, वो स्ट्रेट लाइन की स्लोप कितनी होगी, माइनस आर के बराबर, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा विद स्लोप माइनस आर, ठीक है। सो इट इज ग्राफ बिटवीन v एंड i, ठीक है। इसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे v और r के बीच, ठीक है। तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसके बाद, तो ये ग्राफ हो गया v और i, इसके बाद हम v और r के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं। द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस v एंड रेजिस्टेंस कैपिटल R, ठीक है। तो हमने रिलेशन पढ़ा अभी अभी, v इक्वल टू जो होता है वो e माइनस आई आर के बराबर होता है, ठीक है। तो v इक्वल टू ओम्स लॉ से अगर हम i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो v अपॉन i हुआ r के बराबर, तो i किसके बराबर हुआ, i इक्वल टू हो गया v अपॉन r के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, e माइनस v अपॉन r इंटू स्मॉल आर। ये कहां से आया, ये ओम्स लॉ से आया, ठीक है। तो इतना ही आ गया, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो v प्लस v अपॉन r स्मॉल r, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा आपका e, ठीक है। तो v अंदर कॉमन ले तो 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल r इक्वल टू e, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, e अपॉन 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल r, ठीक है। तो इतना आ गया। तो अब हम इस एक्सिस में ले लेते हैं, एक एक्सिस में यहां हम ले लेते हैं v और यहां ले लेते हैं हम r, ठीक है। अगर आपका r टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, देन इट विल बिकम v इक्वल टू e। यहां पर इंफिनिटी रखेंगे कैपिटल R की जगह तो 1 अपॉन इंफिनिटी जीरो हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो गया, e के बराबर। यानी कि सीधे सीधे कहने का मतलब ये है, R जब इंफिनिटी को अप्रोच करे तो v किसके बराबर हो जाएगा, e के बराबर, ठीक है। तो इसके बीच ग्राफ ऐसा आता है, यहां से अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा आएगा इसके बीच ग्राफ, ठीक है। तो ये r जो है यहां पर ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इंफिनिटी को v को हम इधर बना लेते हैं, हम v इधर हो गया, तो जब ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है r, तो ये किसके बराबर है, e के बराबर, ठीक है। तो इतना इसमें आ गया आपका ग्राफ बिटवीन कैपिटल v एंड r। तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने ग्राफ ड्रॉ किया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड रेजिस्टेंस के बीच, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड रेजिस्टेंस के बीच जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल सीधे होगा, यानी कि
जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो था हमारा, ठीक है, रेजिस्टेंस बोलो या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल लो। दूसरा हमने ग्राफ ड्रॉ किया वी और आई के बीच, तो वी और आई के बीच हमने ग्राफ देखा कि स्ट्रेट लाइन आती है और उसकी स्लोप होती है माइनस आर के बराबर, ठीक है। थर्ड हमने ग्राफ ड्रॉ किया पोटेंशियल डिफरेंस वी और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के बीच, तो इसके बीच ग्राफ इस तरह से आता है, यानी कि जब आर इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये हो जाएगा ए के बराबर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।